गाइस अभी मैं घर पे बैठा था और बैठे बैठे मुझे एक ऐसे ही गूगल पे एक पुश नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि जो जो करिश्मा XMR है उसका जो 0 to 100 अचीवेबल स्पीड है वो 11.2 सेकेंड समथिंग है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी जो XMR है वो थोड़ा जल्दी जाती है, मतलब 0 to 100 जो है ज़रा फास्ट कैच करती है। तो बस वही चेक करने आया हूँ मैं अभी। घर के पास में मेरे स्ट्रेट रोड है और मैं वेट कर रहा था कब 11-12 बजेंगे, तो अभी 12 बजे हैं क्योंकि ऑफिस आवर्स में ना ये रोड थोड़ा सा भीड़ होता है, तो अभी ऑफिस आवर्स ख़त्म हो चुके हैं, अभी रास्ते में बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहेगी। थोड़ा यहाँ पर टूरिस्ट रहते हैं तो यहाँ पर फ़ोटो खींचने के लिए बहुत लोग आते हैं, ठीक है, टूरिस्ट लोग, तो इसलिए हम लोग इसके आगे वाले हिस्से में जाएंगे। वैसे ये गूगल पे बहुत इजीली अवेलेबल है, इसका नाम है कोकोनट ट्री रोड पिलेन, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत लोग फ़ोटो खींचना आते हैं, अगर आप लोग भी गोवा में हो तो आप लोग यहाँ पर फ़ोटो खींचने आ सकते हो, ठीक है। तो अभी जो है इस गाड़ी के एरोडायनामिक्स में मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, पूरा गाड़ी जो है वैसे का वैसे ही है स्टॉक। तो मुझे नहीं लगता कि ये बाकी मतलब जो स्पीड जल्दी कैच करे उसके लिए मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। प्लस मेरे मिरर्स भी है वो फोल्ड नहीं है, वो ओपन है पूरे। तो चलो देखते हैं कितना होता है, मतलब कितने देर में होता है। और इससे पहले कि गाइस ये हम 0 to 100 चेक करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको भी आगे आगे के वीडियोस आते रहे जल्दी जल्दी। तो हम यहाँ से जाएंगे, तो थोड़ा गाड़ी से चलने जाते हैं, एसी रोड क्लियर होगा वैसे ही हम निकलेंगे। ये इतना रोड काफ़ी है 0 to 100 के लिए। तो गाइस जब तक हम रोड एम्प्टी होने का इंतज़ार कर रहे हैं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो। हम काफ़ी जगह घूमने जाते हैं तो आप चाहो तो हमारे एडवेंचर्स देख सकते हो। तो पीछे रोड क्लियर है, आगे भी क्लियर है। मैं या तो लेफ़्ट में या तो फिर राइट में जो है टाइमर डाल दूंगा ताकि आप लोग देख सकें कितना जल्दी पहुंचा है, ठीक है। तो अभी रोड क्लियर हो चुका है, अभी हम चलते हैं। 3 2 1 ट्राई करता है वापस आते समय क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ी जंप हो रही थी। रोड एम्प्टी है, तुरंत घुमा लेते हैं हम लोग। इसका मिरर काफ़ी फायदेमंद है गाइस, पूरा क्लियर दिखाई देता है पीछे तक एकदम। ओके, इनको निकलने देते हैं, ठीक है, चलो 0 1 2 3 अभी हम घर पे जाके इस वीडियो को एडिट करेंगे और फिर देखेंगे कितनी देर में ये हुआ है 0 to 100। बाकी हम लोग अभी थोड़ा गोवा से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं ट्रिप, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि हम लोग काफ़ी लंबा लॉन्ग राइड लेने वाले हैं और वीडियो जो है वो पार्ट्स में आएगी। तो आगे की वीडियोज़ देखते रहने के लिए बेल आइकन दबा दें ताकि आप पहले देख सकें। ये स्पीडोमीटर या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप जो भी बोल सकते हो, इसके लिए मैंने एक ये मंगाया है जिससे स्क्रैच वगैरह ना आए, क्योंकि अभी बिल्लियों को तो हम रोक नहीं सकते घर के नीचे आके, वो कवर में घुस के बैठ जाते हैं रात को, उसको हम कुछ बोल तो नहीं सकते ना। तो उसके लिए मैंने एक जो स्क्रैच ना आया उसके लिए मंगा लिया। ऑलरेडी 2-3 स्क्रैच है, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं कैमरा में, तो ऑलरेडी 2-3 स्क्रैच आ चुका है। मैंने चाहता वो पूरा गायब हो जाए स्क्रैच, इतना आ जाए कि उसमें कुछ दिखाई ना दे, तो इसके लिए मैंने ऑर्डर किया। उसको अभी 10 दिन हो गया, अभी तक आया नहीं है। तो जैसे ही आता है मैं उसको भी लगा दूंगा और शायद हो सके तो मैं उसको लगाते हुए एक वीडियो भी बना दूंगा और डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हो, चेक कर सकते हो।
चाहो तो सेम वाला भी ऑर्डर कर लेना अगर आप लोगों को सही लगे तो। तो बस इतना ही, और अभी हम चलते हैं वापस घर। बस 10 मिनट के लिए आया था मैं, बहुत गर्मी है भाई, लोग घूमने का मन नहीं करता इतनी गर्मी में। तो घर से बाहर निकलने के मैंने स्पेशली फुल हैंड टी शर्ट डाला था,